अगर आप भी डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्जिमा, चुंबुल और कील महासों से निजात पाना चाहते हैं, बालों को हमेशा सेहतमंद रखना चाहते हैं, तमाम किस्म के दर्दों से निजात पाना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल है बादाम से और बादाम के तेल से। इन तमाम चीज़ों को बताने से पहले आपको बताते चलूँ, मैं हूँ साजिद फैज़ी, आप देख रहे हैं परफेक्ट इस्लाम चैनल। कुदरत ने जो हमें बेहतरीन गिफ्ट और बेहतरीन तोहफा दिया है, बादाम और उसका तेल, इसके ज़रिए से हम बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं और बहुत सारी लातेदाद बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन सामईन, आइए बादाम के तेल के इस्तेमाल जानते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। बादाम के तेल को अगर चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो रंगत को निखारता है, चमक पैदा करता है, चेहरे और जिल्द को कुदरती तौर पर सेहतमंद और ख़ूबसूरत बनाता है। बादाम का तेल जिल्द के डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से एक्जिमा, चुंबुल और कील महासों से निजात मिलती है। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से सूरज की शुआओं के नुकसान से, सूरज की गर्मी से बचा जा सकता है। होठों पर रोज़ाना मसाज करके सोने से होठों की खुश्की ख़त्म होती है और होठों पर चमक और गुलाबी रंगत आती है। बालों पर उसका रोज़ाना इस्तेमाल बालों को सेहतमंद, लंबा और घना भी करता है और हमेशा के लिए सेहत को मुकर्रर कर देता है, यानी हमेशा आपके बाल सेहतमंद रहेंगे अगर आप बादाम का तेल अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप रात को सोते वक्त बादाम का तेल लगाकर सर में अच्छी तरीके से मालिश करके सो जाइए और सुबह को आप धोकर पाक करना चाहे, साफ़ करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप सुबह को धोना चाहे तो धो सकते हैं, नहीं तो अगर आप लगाकर रखना चाहे तो लगाकर रख सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। पलकों पर बादाम का तेल रोज़ाना लगाकर सोने से पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। बादाम के तेल से अगर छोटे बच्चों की जिस्मानी मालिश की जाए तो जिल्द नरम और सेहतमंद रहती है और हड्डियों में मजबूती आती है। फट्टों के दर्द और खिंचावों के लिए एक खाने का चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा हिस्से की मालिश करें, इससे दर्दों से निजात मिलेगी। जहाँ कहीं पर भी आप अपने जिस्म में दर्द महसूस करें तो आप बादाम का तेल लीजिए, थोड़ा सा गर्म कीजिए और जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर आप लगाकर मालिश कीजिए, इससे फौरी तौर पर आपको राहत मिलेगी, दर्दों से निजात मिलेगी। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रोज़ाना एक चाय का चम्मच बादाम का तेल नीम गर्म दूध में मिलाकर, दूध में डालकर पिए, इससे आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगी और कोलेस्ट्रॉल इससे कम होगा। तो नाज़रीन सामईन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आप बादाम का तेल अपने घर में ज़रूर रखिए, इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए। सेहत रहेगी तो इस दुनिया में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे और फिर रब की इबादत इस दुनिया में सुकून के साथ कर सकेंगे। तो नाज़रीन सामईन, आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने नाम को, अपने कंट्री के नाम को डालिए और दुआओं के लिए अपने नामों को शामिल कीजिए ताकि उन तमाम लोगों के लिए दुआएँ की जाए जो भी अपने नामों को दुआओं में शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम मकासिद में कामयाबी अता फ़रमाएँ, दुनिया और आखिरत की तमाम नियमतें अता फ़रमाएँ।